उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये चुनाव अब गठबंधन चुनाव बनता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी यानी समाजवादी पार्टी ने कई दलों से गठबंधन किया है, तो भाजपा भी गठबंधन की नीति के तहत ही चुनावी मैदान में उतरती नजर आ रही है। वहीं प्राइम टीवी से बात करते हुए हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक रामधनी विंद और अन्य पदाधिकारियों द्वारा भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगते हुए कहा कि गुमराह किया गया है और हमारी उपेक्षा का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां सूची को कहीं ना कहीं गठबंधन की इसमें अहम भूमिका है। जहां समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों का गठबंधन किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कई पार्टी गठबंधन कर रही है और कहीं ना कहीं यहां पर एक गठबंधन हुआ था 15 नवंबर को हिस्सेदारी मोर्चा के साथ। पर हिस्सेदारी मोर्चा को अब तक कोई सीट देने की बात हुई थी, अब तक नहीं दी गई है। इससे हमारे साथ मौजूद है हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक रामधनी बिल, जानते हैं क्या वादा किया गया था, अब क्या किया जा रहा है, क्या उनको सीट दी जा रही है, कितनी सीटों पर बात बनती है। मैं केवट रामधनी बिन, भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिस्सेदारी मोर्चा संयोजक। 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन हमने किया, जिसमें हम 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में सामाजिक न्याय लोक पार्टी और हमारे अर्जुन सिंह लोधी हमारे साथ में इनसे भी गठबंधन किया गया। आज जो 2022 का जो चुनाव है वह छोटी छोटी पार्टियों के एक अहम रोल अदा हो रहा है, लेकिन न जाने भारतीय जनता पार्टी को कौन सा मतलब अहंकार और घमंड हो गया है। अब हमें दरकिनारे की सोच रही है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड और दो चरण का चुनाव बीजेपी ने सीट क्लियर कर दिया कि पश्चिमांचल से दो हमारी पार्टी, एक सामाजिक न्याय पार्टी, एक हमारे साथी मानव हित पार्टी किशन गोलकर का, सब उनकी सीट छूट गई, उनका नाम नहीं आया। हमने वहाँ भी मांग की थी। अब पूर्वांचल की बारी है, अब पूर्वांचल की भी हम लोग सीटें मांग रहे हैं, उस पर भी बराबर समिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि अभी हमने आधे एक घंटे पहले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र से हमने बातें की, लेकिन उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि उनकी भी मतलब केंद्र में नहीं चल पा रही है। तो हमें अंधकार में रखा गया, हमारा शोषण किया गया है। मतलब भाई हमें सीट न मिलता, हमें शोषण नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अति पिछड़े शोषित समाज के हैं। हम मोदी जी और योगी जी के कामों से खुश होके, उनके विचारों से खुश होके हमने बीजेपी से गठबंधन किया था। हमें नहीं मालूम था कि हम जाके बीजेपी में हमारा शोषण हो जाएगा। मतलब आज उस शोषण का नतीजा यह हो रहा है कि हम कहीं के नहीं रह गए, लेकिन यह हिस्सेदारी मोर्चा और सामाजिक न्याय लोक पार्टी ने हिम्मत नहीं आ रहा है और आने वाले समय हम दमदारी से 2022 में हम चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर शाम तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है, आज भी हम योगी जी और मोदी जी से पूर्ण रूप से समर्थक हैं। हमें आज की आज सीट मिल जाए तो जो बीजेपी की चाहती 300 सीट, हम 365 सीट जिता के देंगे। समाजवादी पार्टी चाहे कितने भी बीजेपी के नेता छोड़ के जाने का काम करें। बाबूलाल जी, ये बताइए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सुभाषपा समाज पार्टी से जुड़ गई है और अब उसकी कमी जो है वो बाबू राजभर पूरी करेंगे हिस्सेदारी मोर्चा के माध्यम से, क्या मानते हैं अब यहाँ पर कहाँ कमी की जा रही है और बीजेपी आपको वो स्थान नहीं दे रही जिसको आप चाहते हैं? देखिए, हम लोगों की बातें प्रदेश अध्यक्ष से हम 3-4 राउंड की बातें होती है हम लोगों की, तो प्रदेश अध्यक्ष की बातों से हम लोग तो संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज हम लोगों को पता चला है कि प्रदेश अध्यक्ष की बातों को जो सेंट्रल में जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है उनको बातों को अनसुनी कर रहे हैं। आज हम लोगों की प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष जी के चेहरे को देख करके हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वह पटेल समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, इस भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में, जो सवर्णों की पार्टी पहले से कहलाती आ रही है, आज उसका खामियाजा उनको, पटेल जी को, स्वतंत्र देव जी सिंह को भी भुगतना पड़ रहा है। और उनके वजह से हम लोग जितने भी हमारे हिस्सेदारी मोर्चे में जितने घटक दल हैं सभी ये पिछड़ी और अर्ति दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए उसका खामियाजा, उसकी सजा हम लोगों को भी मिल रही है। तो इसी घटक दल में प्रगतिशील समाज पार्टी के साथ हमारे साथ मौजूद है इंजन सुनील कुशवाहा जी, क्या मानते हैं जिस तरह से बात की गई थी कि आपको सीटें दी जाएगी, अब उस चीज़ को दरकिनार किया जा रहा है, आपको तवज्जो नहीं दी जा रही, क्या मानते हैं? बात तो सिर्फ इतनी है कि देखिए, चूंकि ये भाजपा ने जरूर वादा किया था और आज ही अपनी बातों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सीटों की संख्या के बारे में मुझे संदेह है कि वो 5 से 8 सीटों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। आज जो वर्तमान में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदारी मोर्चा को की उपेक्षा की तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, ऐसे में प्रगतिशील समाज पार्टी, जो कि मैं इंजीनियर सुनील कुशवाहा और मौर्य समाज में हमारी पार्टी का एक बहुत व्यापक प्रभाव है, उस गैप को वो बड़ा अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। और हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक बिंद समाज से आते हैं और हिस्सेदारी मोर्चा अलग अलग जातियों का एक जो गठबंधन है, ये पूर्वांचल की 100-125 सीटों पर प्रभाव रखता है। अगर भाजपा ने हम सभी की उपेक्षा करने की कोशिश की या ऐसी गलती की तो 100-125 सीटों पर उसका बहुत बुरा नतीजा देखा। मैं सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, रणवीर सिंह लोधी, पेशे से प्रोफेसर हूँ।
क्या मानते हैं जिस तरह से ससुराली मोर्चा का गठबंधन हुआ 15 नवंबर को, अब लगातार देखा जा रहा है कि सीटों पर सहमति नहीं बन रही है, सीटें धीरे का ऐलान होता है पर उसके बाद जब घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए नजरअंदाज क्या है, हम लोगों के साथ एक तरह से ये धोखा है, ये पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ और इसे छोटे छोटे दलों के साथ एक तरह का ये धोखा है, क्योंकि पहले हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको समुचित आपके हिसाब से आपको भागीदारी दी जाएगी, हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन आज जिस तरह की बातें हुई हैं, हमारे डॉक्टर लेखराज जी संयोजक जी हैं जिन्होंने तमाम खर्चे करके और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी कार्यकर्ताओं बड़ी बड़ी पार्टियाँ हेलीकॉप्टर से रैलियाँ जहाँ 50,000 की जनसंख्या समूह बल, चाहे वो आगरा की रैली रही हो चाहे वो सुकावाद विधानसभा की रैली रही हो, इतने जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी स्वयं शामिल थे और उन्होंने इस मंच से ये कहा था कि गठबंधन मोर्चे के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और आपको समुचित आपके हिसाब से हिस्सेदारी जाएगी। अभी आपने टीवी देखा हो, इंडिया टीवी पे चला था, जी टीवी पे चला था, 5 सीटों को लेकर के वहाँ ऊपर शीर्ष नेतृत्व तुम्हारी चर्चा हुई, लेकिन आज हमने पहले चरण में 2 सीटें मांगी थी जिनमें संयोजक जी डॉक्टर लेखराज जी की सीट थी फतेहाबाद की और एक उसमें तीसरे चरण में एक सुखाबाद की सीट थी, जहाँ पर आज देखिए विडंबना देखी जनता के साथ कि जो जिस विधायक को जो छोड़ करके मुकेश वर्मा जी जो सुकावा छोड़ करके सीट सपा में गए हैं उनको लड़ाने का काम सपा कर रही है और जो सपा के पूर्व विधायक थे ओम प्रकाश वर्मा उनकी सीट की अभी कुछ देर में आपको मिल जाएगी उनको डिक्लेयर करने का काम कर रही है भाजपा। तो जनता के साथ और ये छोटे दलों के साथ कहीं ना कहीं पूर्णतः धोखा है और हर तरीके से ये शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से अभी हाल की ही जो सरगर्मियाँ चल रही हैं कि स्वयं प्रसाद मौर्य समेत 8 विधायक भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट का भाव है और अब असंतुष्ट का भाव आ रहा है ससुराली मोर्चा पर जिनको गठबंधन किया गया था 15 नवंबर को, उसके बाद लगातार इनकी चर्चा चल रही थी पर अब तक इनको सीट नहीं दी गई है और इनका असंतुष्टि का भाव साफ नजर आ रहा है। इनका कहना है कि जिस तरह से शोषित और वंचित वर्ग को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।